बिल्डिंग बायलॉज, भवन उपनियम। आइए आज हम बिल्डिंग बायलॉज के बारे में जानेंगे। बिल्डिंग बायलॉज एक ऐसा नियम है जिसे विभिन्न शहरों के टाउन प्लानिंग अथॉरिटी और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, जिसमें कमरों का न्यूनतम आकार, भवन की ऊंचाई, क्षेत्रफल, खुला स्थान, अग्नि सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोधी प्रावधान व अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य शहर में व्यवस्थित विकास प्रदान करना है। किसी भी भवन का निर्माण करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से नक्शों का अनुमोदन कराना अति आवश्यक है। बायलॉज के मुख्य उद्देश्य। बायलॉज के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: निर्माण गतिविधि की पूर्व योजना तैयार करना, व्यवस्थित विकास की अनुमति देना और बेतरतीब विकास को रोकना। बायलॉज के प्रावधान जैसे आग, शोर, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा संरचनात्मक संबंधी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना। मास्टर प्लान या जोनल मैप के अनुसार भूमि का उचित उपयोग करना। भवनों में उचित पहुंच, नाप, प्रकाश, वायु और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। सैंक्शनिंग अथॉरिटी। उदाहरण के तौर पर यदि भवन दिल्ली में बनाना है तो निम्न निकायों की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। यदि कोई बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाता या कोई संशोधन करता है तो वह भवन अवैध माना जाएगा, जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय गिराया जा सकता है। भवन निर्माण करने से पहले निम्न स्थानीय निकायों की मंजूरी लेनी चाहिए: दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर कला आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, दिल्ली फायर सर्विसेज। बिल्डिंग क्या है? जब कोई ढांचा मानव उपयोग के लिए बनाया जाता है, जिसमें प्लिंथ, वॉल, फर्श, छत, चिमनी, बरामदा, बालकनी आदि का निर्माण होता है, उसे भवन कहा जाता है। भवन के प्रकार। भवनों को उपयोग अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो भवन आवासीय प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं वे आवासीय भवन कहलाते हैं। इन भवनों में बेडरूम, किचन, डाइनिंग, लिविंग आदि हो सकते हैं। डॉर्मिटोरी, होटल्स, हॉस्टल्स, अपार्टमेंट्स इत्यादि इन श्रेणी में शामिल हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग, जिन भवनों में शिक्षा, मनोरंजन, अनुदेश आदि कार्यों के लिए कम से कम 8 घंटे प्रति सप्ताह का समय लिया जाता है, वे भवन इस श्रेणी में आते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डे केयर आदि। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इन भवनों का प्रयोग चिकित्सा व उपचार करने, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने व कैदियों के दंड व सुधार कार्य में किया जाता है। इस श्रेणी में हॉस्पिटल, सैनिटोरियम, जेल्स, रिफॉर्मेटरीज आदि शामिल हैं। असेंबली बिल्डिंग, इसका प्रयोग मनोरंजन, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आदि के लिए किया जाता है। इसमें थिएटर, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, कम्युनिटी हॉल, एग्जीबिशन हॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स आदि शामिल हैं। मर्चेंटाइल बिल्डिंग, इसमें शॉप्स, मार्केट, स्टोर आदि सभी सेवा से जुड़े भवन शामिल हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इन भवनों में उत्पादों व सामग्रियों की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे रिफाइनरीज, मिल्स, डेयरी, फैक्ट्री, फूड पार्क। स्टोरेज बिल्डिंग, इन भवनों का प्रयोग वस्तुओं, पदार्थों व माल के भंडारण के लिए किया जाता है, जैसे गैरेज, हैंगर, वेयरहाउस, सिलोस। भवन उपनियम के कुछ जरूरी मापदंड। भवन उपनियमों के तहत निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है: प्लिंथ एरिया, बिल्डअप एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, भवन की ऊंचाई, फायर प्रावधान, ग्रीन स्पेस, लिफ्ट का प्रावधान, पार्किंग सुविधा, वर्षा जल संचयन, बैरियर मुक्त वातावरण। प्लिंथ एरिया,
प्लिंथ एरिया का अर्थ है बेसमेंट या बालकनी सहित किसी भी मंजिल के तल पर मापा गया निर्मित कवर क्षेत्र, जिसमें लिफ्ट शाफ्ट की निचली मंजिल और खुले कटआउट क्षेत्रों को छोड़कर मापा गया एरिया। कारपेट एरिया, कालीन क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है वह स्थान है जहां कोई कालीन बिछा सकता है, अर्थात भवन अपार्टमेंट में शुद्ध उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र। भवनों के कारपेट एरिया में अंदरूनी दीवारों की मोटाई, बिल्डिंग की लॉबी, एलिवेटर्स, सीढ़ियां इत्यादि शामिल नहीं होता है। बिल्डअप एरिया, भवनों के सभी मंजिलों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र, जैसे सभी कमरे, कॉरिडोर, बालकनी, मेज़नाइन फ्लोर इत्यादि शामिल होंगे, परंतु विशेष रूप से छोड़े गए क्षेत्र जैसे लिफ्ट मशीन रूम, ममटी शाफ्ट या डक्ट, कोर्टयार्ड, कैनोपी इत्यादि शामिल नहीं होंगे। फ्लोर एरिया रेशियो, सभी मंजिलों पर कुल कवर क्षेत्र को 100 से गुणा करके भूखंड के क्षेत्रफल से विभाजित करके प्राप्त की गई मात्रा को फ्लोर एरिया रेशियो कहते हैं। ग्राउंड कवरेज, जमीनी सतह से लगी सभी संरचना जैसे वॉल्स, कॉलम, स्लैब इत्यादि जो स्थान भूमि पर कवर करती है उसे ग्राउंड कवरेज कहते हैं। रूम हाइट, तैयार मंजिल की सतह से तैयार छत तक मापी गई दूरी को रूम हाइट कहते हैं। बिल्डिंग हाइट, सड़क के ऊपरी सतह से बिल्डिंग के टेरेस फ्लोर के ऊपरी सतह तक की ऊंचाई बिल्डिंग हाइट कहा जाता है। इसमें ममटी, लिफ्ट मशीन रूम, पैरापेट आदि को शामिल नहीं किया जाता है। सेटबैक, सेटबैक प्लॉट के साइज पर निर्भर करता है। यह बाउंड्री और बिल्डिंग के बीच की खाली जगह होती है तथा इसे इसलिए छोड़ा जाता है ताकि भवन को हवा, रोशनी इत्यादि से सुनिश्चित की जा सके, साथ ही आग लगने पर, इमरजेंसी होने पर इसे काम में लिया जाए। पार्किंग, वाहनों को खड़ा करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र को पार्किंग स्थल कहते हैं। पार्किंग स्थल कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खुला पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग, मल्टी लेवल रैंप पार्किंग और ऑटोमेटिक मल्टी लेवल लिफ्ट पार्किंग। विभिन्न सतहों पर पार्किंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल दिए गए बॉक्स में दर्शाए गए हैं। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, अवरोध मुक्त परिसर से तात्पर्य है जिसमें अशक्त व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक इधर उधर आ जा सके तथा परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सके। सभी सार्वजनिक भवनों को सुगम बनाने हेतु भवनों में रैंप, लिफ्ट, सुगम शौचालय इत्यादि का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए दीवार के साथ साथ रेलिंग लगाना, प्रवेश द्वार पर पथदर्शी ब्लॉक लगाना, प्रवेश द्वार के समीप दो कार पार्किंग बनाना और प्रवेश द्वार पर 1:12 की ढलान वाली रैंप बनाना अति आवश्यक है। सुगम्य शौचालय, अशक्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य शौचालय का आयाम न्यूनतम 2200x2000 mm का होना चाहिए। सुगम्य पार्किंग, अशक्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य पार्किंग का आयाम 5000x3600 mm का होना चाहिए। धन्यवाद।